అన్య స్థానం పెట్టలేదు ప్లీజ్ थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जो सोचा नहीं था वो आज हो रहा है, तो यकीन कर पाना इतना आसान नहीं है। जीवन की थोड़ी सी विषम परिस्थितियों से समय निकाल कर आज आपके साथ में हूं। ये तो दो दिन का वर्कशॉप रखा गया है, ये आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए नहीं है, ना ट्रेडिंग सिखाने के लिए था। ट्रेडिंग आप किसी भी प्लेटफॉर्म से खुद भी सीख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिल जाएगी। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य था आपके जीवन में एक डिसिप्लिन का, यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर काफी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनके अनुभव आप स्टेज पर यहां बुलाकर पूछ लीजिए, अगर उन्होंने नुकसान कहीं का है तो सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन में उस ट्रेडिंग करते वक्त डिसिप्लिन ना हो। आपको पता है हम किसी भी एक सामान्य से बात करते हैं किसी के लिए क्या है, किसी का आदत ही खराब है, यानी कि बचपन से कोई चीज धीरे 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 जब उसके अंदर इम्प्रिंट हो जाती है ना पूरी तरह से तो आदत बन जाती है। आज आप दो दिन रहे, आपका पूरा शेड्यूल सुबह से लेकर शाम तक का एक एक मिनट शेड्यूल किया गया है, यानी आपको एक नई आदत डालने की कोशिश की गई है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कितने बजे करना है, कितने बजे छोड़ देना है। और मैं जानता हूं कि दो दिन में आदतें बदलती नहीं है, लेकिन एक कदम की शुरुआत तो होगी। हमें हिमालय पर चढ़ना है, डायरेक्ट चढ़ेंगे, पहला कदम बढ़ाएंगे तभी तो ऊपर पहुंचेंगे। ये हमारा पहला कदम है, आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। अगर आप ये आदत अपने आप में डेवलप कर लेते हैं डिसिप्लिन की, तो मैं गारंटी देता हूं आप इस मार्केट में कभी नुकसान नहीं खाएंगे। जब हमने ब्रोकर लाइव लॉन्च किया था बैंकॉक में, तो मैंने आप सबसे वादा किया था, गारंटी दी थी आपको कि जो स्ट्रेटेजी आपने देखी टेक्निकली तो आपको एक्सपर्ट्स ने सिखाया है, और आगे भी हम हर महीने कोशिश करेंगे ऐसी वर्कशॉप करते रहे जिस पर आप ये सब चीजें सीखते रहे। लेकिन जो मैं बेसिकल आपको चीज सिखाना चाह रहा हूं कि आप डिसिप्लिन के साथ, आप लोग गलती क्या करते हैं मालूम है, उतावला पर बहुत ज्यादा है आप। आज हमें ब्रोकर लाइव करना था, जैसी भी परिस्थितियां थी मुझे आना था और यहां लाइव करना था। आप लोगों ने उससे पहले लाइव कर दिया था मालूम है आपको, आप लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट पहले शेयर कर दिए थे। आप लोगों में उतावला पर बहुत ज्यादा है, आप हर चीज को बहुत जल्दी करना चाहते हो और बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा पाने में समय लगेगा। आप ओवरनाइट सब कुछ करना चाहते हो जो संभव नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जिसको आप उस मुकाम पर देखते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो, जैसे कि हमारे सिस्टम की बात कर लेते हैं, आप चाहते हो कि कुलदीप जी के जैसा मुझे बनना है, उतने उनके जैसे उत्तम दिन है, तो आपको उनकी यात्रा को समझना पड़ेगा। वो एक दिन में थोड़ी उसी स्टेज पर पहुंच गए, उनका सफर भी तो देखिए, और आप चाहते हो कि एक ही दिन में उस चीज की बराबरी कर ले, एक ही दिन में हिमालय चढ़ जाए। हिमालय एक दिन में नहीं चढ़ा जाएगा, समय जाएगा, और वो डिसिप्लिन आपको अपने जीवन में लाना होगा। आपको जो भी टेक्निकली समझाना था उन्होंने समझाया, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप नियम बना लीजिए, जब भी ट्रेड करने बैठे आपको मैक्सिमम 1% का प्रॉफिट लेना है, जितना भी आपका इक्विटी है, जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके हिसाब से, और 0.5% का मैक्सिमम मैसेज लेना है। अगर जिंदगी में ओवरऑल देखिए नुकसान फायदे दोनों चलेंगे, लेकिन ओवरऑल हम गणित किस पर लगाएंगे, ओवरऑल पे, जिस दिन भी आपका ओवरऑल नुकसान हो जाए आप मेरे पास आ जाना, आपके नुकसान की जिम्मेदारी मैं लूंगा। लेकिन अगर आप चाहोगे कि एक ही दिन में आपका अकाउंट डबल हो जाए तो मैं जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन अगर आप सोचिए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर आप चलते हो और आपका अकाउंट 6 महीने में डबल हो जाता है, क्या नुकसान है आपको? कुछ नहीं। क्या नुकसान है? 6 महीने में डबल, अगले 6 महीने में फिर डबल, यानी 1 साल में 4 गुना आपका अकाउंट हो गया। कौन सा सिस्टम दे रहा है आपको? आप जब भी मेरे से मिलते हो सर इस सिस्टम को रेगुलर चलाना, हमें कम मिल जाए भले, अरे कम आप उससे ज्यादा लीजिए, डिसिप्लिन में लीजिए। ये वर्कशॉप का उद्देश्य है कि आप अपने आप में खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, आपको किसी डीके जेड की किसी सिस्टम की कभी जीवन में आवश्यकता ना पड़े। आपके मन से आपके मुंह से कभी भी ये सवाल ना उठे कि हम उस सिस्टम पे पैसा लगा रहे हैं, उस पे फोन पे पैसा लगा रहे हैं, वो कितने दिन रहने वाला है। आप किसी से ये सवाल ना पूछे कि सर कितने दिन, और ये सवाल तभी खत्म होंगे जब आप अपने आप पर इतने काबिल बन जाएं कि आपको किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता ना रहे।
अभी जब मैं बैठा था तुमने तो कुछ लोग अभी बात कर रहे थे कि हर आदमी ट्रेडिंग नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, हर आदमी ट्रेडिंग नहीं करेगा, करनी भी नहीं चाहिए। अगर सभी ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, पूरी दुनिया ट्रेडिंग करने लग जाएगी, तो बाकी काम का क्या होगा। लेकिन हम बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ये आपने देखा है बनते हुए, और बनता है तो बनाना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। अब जरूरी नहीं हर आदमी बनाए, लेकिन आपकी कम्युनिटी में आप अगर 10-20-50 लोगों को तैयार कर लेते जो ये काम को सीख जाते हैं, और आप बेसिक नॉलेज इतना ले लो कि आप उसको वॉच कर सको, उसको देख सको कि वो आपके अकाउंट के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो आपका फ्रेंड को मैनेज करने का क्या परेशान है। लेकिन बेसिक आपको नॉलेज तो रखनी पड़ेगी ना कि कोई आपका बेवकूफ ना बना जाए। आज से पहले आप 2 दिन यहां पर हुए, ईमानदारी से बोलना, कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग के बारे में इतनी डीपली नॉलेज आपको थी, यहां आने का कुछ बेनिफिट हुआ? आवाज सही नहीं आई मतलब आपने कहा तो अगले सेशन से फीस डबल कर दी जाए। यस, तब यस कर दिया है तो बिल्कुल अगले सेशन में जो भी होगा हम देखेंगे। कोशिश करेंगे हर महीने में या हर 2 महीने में जैसे भी संभव हो पाएगा, क्योंकि दूसरी चीजें भी देखनी होती है। जितना भी बेस्ट से बेस्ट आपके लिए हो सकेगा वो करने की पूरी कोशिश करें। मेन बात आ रही डिसिप्लिन की, मुझे आप लोगों से कुछ शिकायतें करें। आप लोग जितने भी लोग जो ज्यादातर मेरे से मिल चुके हो, मेरा नेचर लगभग थोड़ा बहुत जानते हो, मैं आपको जो कहना होता है वो भी कह देता हूँ, पीठ पीछे तो बात नहीं करता। मुझे आपसे शिकायत है कुछ लोगों से, सबकी नहीं कह रहा। कुछ लोग सुबह योगा में आने हैं तो प्रॉपर जो आपको टी शर्ट दी है वो पहनकर नहीं आए, कुछ लोग दूसरी पहन के आ गए। वीडियो जो आपको दिया गया था, मैंने जूम पे भी स्पेशली बोला था कि यहाँ लिकर प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मुझे पता चला कुछ लोग आप में से 2-5 जो भी पता नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है, उन्होंने यहां लिकर का भी यूज किया। आप अगर इस तरह से डिसिप्लिन सीखोगे तो आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं। आप क्या सीखने आओ यहां पर? यह आपको मौज मस्ती के लिए जो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। आप यहां जयपुर में रहते हो, मेरे से मिलने आते हो, कोई लोग चाय भी नहीं पिलाता हूं ज्यादातर लोगों को। आप सोचिए मेरे जैसा व्यक्ति जो 10 रुपए अपनी जेब से नहीं खर्च किया है और इस पूरे प्रोग्राम पे कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा हुआ है, आपसे किया कितना है? इतना पैसा जेब से खर्च कर करके क्यों खर्च किया है कि आप कुछ सीख सको? लेकिन आप सिर्फ उसी दुनिया में रहना चाहते हो जो आज तक आपके अनुभव है। जब तक उनसे ऊपर नहीं आओगे, हो गए गलत अनुभव, हो गए भूलना पड़ेगा ना। भाई गोपाल दास तिलक जी ने लिखा है, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, ज्योति व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। एक बार कोई दुर्घटना हो गई, कुछ गलतियां हो गई, हमें उसे ऊपर आना पड़ेगा। और ऊपर कब आएंगे? जब सीखेंगे। सीखने की शुरुआत कहां से होती है? अपने आप से। खुद पर नियंत्रण, खुद को संयम में लाना जरूरी है, और आप वही शुरुआत नहीं कर पा रहे, शिकायतें करने में व्यस्त हो। यह कोई इवेंट आपको बोनांजा नहीं दिया गया है कि कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सॉल्व किया जाए, एडजस्टमेंट। आप सीखने आए हो, भगवान राम भी गुरुकुल में रहे, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में रहे, उन्होंने किस तरह से चीजें की, कैसे सीखा, ये सब चीजें आप जानते हो। जब तक ये चीज अपने मन से शुरू नहीं करोगे, अगर आप शिकायतें करते रहोगे तो शिकायतें करते रह जाओगे। जब तक समाधान नहीं ढूंढोगे, समस्याएं गिनाने से समस्याएं कम नहीं होगी, उनका समाधान आपको ढूंढना होगा। और समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, वो है एजुकेशन। और ये प्रोग्राम स्पेशली उसी चीज के लिए रखा गया है। आप लोग पूछते हो ट्रेडिंग में पैसा लगाया हुआ है, सर क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है? ये इसके लिए है कि प्रैक्टिकल देखिए कि पैसा बनता है तो आपकी हमेशा अपने आप डाउट खत्म हो जाए। कोई व्यक्ति अभी मैं जब ऊपर था तो मेरे से मिलने आए थे, वो बोले थे सर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आपके पास क्या सिक्योरिटी है, क्या गारंटी है? यानी आपको महीने का 8-10% कमा करके दो और उसकी गारंटी दे, कौन देगा? कोई आपकी गारंटी नहीं लेगा, ये सत्य है। और कोई लेगा तो झूठी गारंटी लेगा। आप लोग इतने अनुभव से गुजर चुके हो, आज तक किसी ने भी आपसे गारंटी ली उसका कुछ हुआ, कुछ रिजल्ट निकला, तो फिर क्यों करते हो ऐसे सवाल? अनुभव आपके सामने है, प्रैक्टिकल आपके सामने है, और आपसे खुद कह रहा हूं मैं कि आप सीख करके अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए, अपनी टीम को उस लेवल पर बना लीजिए कि आपको जीवन में कभी किसी चीज के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। हर बार कहता हूं अपनी सेना बनाओ, जीवन का युद्ध जीतना है ना। पैसा जिसके पास नहीं होता है ना, उसे कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता।
पर, ये सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है और हर व्यक्ति इस बात को जानता है। अगर हमारी जेब में पैसा है तो कोई सामने वाला हमसे चाय के लिए ऑफर कर लेगा, अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है तो वो साइड से निकल जाएगा, करे यार ये अभी आएगा दो मिनट खराब करा। जब हमें पता है कि पैसा इतना जरूरी है और पैसा कमाना नहीं आपको पैसा बनाना सिखाया जा रहा है, उसमें भी आप सीरियस नहीं हो, आपको सीरियस होना पड़ेगा, सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक आप कहते रहोगे कि अरे सर आप चलाते रहिए हम ऐसा कर लेंगे हम ऐसा कर लेंगे, वो तो चल ही रहा है ना, वो तो बिजनेस है चलता रहेगा, लेकिन आप खुद भी अपने आप में इतने काबिल बन जाए कि आपको फिर कभी किसी पर भरोसा करने की या किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ना पड़े। आज आपने प्रॉफिट किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये डेमो पे था, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने अमाउंट में किया आपने 600 डॉलर का प्रॉफिट? 12,000 डॉलर के अकाउंट में 600 डॉलर, कितना परसेंट हो गया? 5% का प्रॉफिट पर डे, यानी आपको एक महीने में अपना अकाउंट डबल करना है। ये गलत तरीका है, वो सही बात है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। इस ट्रेड को डिसिप्लिनरी ट्रेड नहीं कह सकते आप। फिर जैसे 600 का किया है किसी दिन 1200 का नुकसान दोगे, बात बराबर हो जाएगी। डिसिप्लिन का मतलब आपका प्रिंसिपल, आपको बताया गया कि आधा परसेंट कैसे लगाइए। मान लीजिए कंटिन्यू 22 दिन आपका नुकसान हो गया पूरा महीना, मैक्सिमम 5% का लॉस हुआ, 95% अपने पास बचा हुआ है। और इस मार्केट के नहीं, किसी भी मार्केट के लिए कहते हैं कि जब तक आपका प्रिंसिपल सेफ है, आपकी इक्विटी सेफ है, आप जिंदा हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। और कोई दुनिया का आदमी कंटिन्यू 22 दिन ऐसे लेट करके बता देता है, कर सकते हो 22 दिन ऐसे लेट, 5-7-1 हफ्ता कंटिन्यू ऐसे लेट कर सकते हो? देखो मैं आपसे कहता हूं कि आप 1% का प्रॉफिट टीपी लगाओ, 0.5% का ऐसे लगाओ। मैं हर बार कह रहा हूं आप मेरी बात मान लो, लेकिन केवल मेरी बात मानने से काम नहीं चलेगा, बातों से व्यापार नहीं होगा। आप इसको इंप्लीमेंट करो, आप इसको प्रैक्टिकल करो और मुझे गलत साबित करो, मैं अगले दिन से कहना बंद कर दूं। भाई आप उसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, कैलकुलेटर पे व्यापार नहीं होगा। और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, टेक्निकली तो आप लोग सीख ही रहे हो और एडवांस कोर्स भी आपको समय आने पर करवाया जाएगा। आप स्ट्रेटेजी को प्रॉपर फॉलो करके अगर आपका 4 महीने 5 महीने 6 महीने में अकाउंट डबल हो जाता है तो आपको क्या नुकसान नहीं दिखाई देगा? आपको क्या जल्दी है एक ही दिन में या एक ही महीने में अकाउंट डबल करने? एक महीने में अकाउंट डबल करने वाले व्यक्ति एक दिन में 0 भी करते हैं, ये तय है। लेकिन 6 महीने में डबल करने वाले व्यक्ति उनका अकाउंट कभी 0 नहीं होता, कंसिस्टेंसी देते हैं। अब आप सोचिए आज आपने डेमो में प्रॉफिट किया और आपको इतना आनंद आया, रियल में करेंगे कितना आया? एक कवि की दो पंक्तियां याद आ रही है, शब्दों पे मत जाना उसके भाव को समझो। फिर से कह रहा हूं, शब्दों पे मत जाना भाव को समझो। कि देखपाल की जिस दुल्हन की बह गया हर एक बाराती, देखपाल की जिस दुल्हन की बह गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा लुगट जाने उस पर क्या बीतेगी, जिसके द्वार उठेगा लुगट जाने उस पर क्या बीतेगी। एक रात स्वप्न में छूकर, एक रात स्वप्न में छूकर जिसने तन मन चंदन कर डाला, जो रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। तो आज अगर आप डेमो अकाउंट में प्रॉफिट लेकर इतने खुश हैं और इसको कंसिस्टेंटली करेंगे, रियल अकाउंट में करेंगे और 6 महीने में जब अकाउंट को अपने को डबल करेंगे तो आपकी फीलिंग्स क्या होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, आपको डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड करनी होगी। ऐसे आयोजन हम करते रहेंगे, सारी चीजें जितना बेहतर होगा उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी अपने आप को एक स्टेप आगे लेके आइए। शिकायतें करने के बजाय समाधान बनाइए। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। मैं पिछले 20 दिन से मेरे परिवार में मेडिकल इमरजेंसी होने के कारण हॉस्पिटल में हूं, तो ये जो भी आयोजन है टीम ने अपने लेवल पर जितना उनसे संभव हो सका उतना बेस्ट से बेस्ट करने की आपके लिए कोशिश की है। तो मैं मेरी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हर चीज चाहे वो खाने से हो, मैनेजमेंट से लेकर के हो, यहाँ के अरेंजमेंट्स हो, आपके रहने खाने का अरेंजमेंट हो, आपके
या ट्रेनिंग का अरेंजमेंट हो, जो भी सारी व्यवस्था है उन्होंने सिर्फ सिर्फ अपने लेवल पे की है, मैं इसमें इन्वॉल्व ना के बराबर रह पाया हूँ, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक और विशेष जानकारी आपके लिए, एक साल पहले हमने कौशल्य फाउंडेशन का शुरुआत की थी, उसकी नींव रखी थी। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया, परिवार बढ़ रहा है, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये परिवार इसी तरह बढ़ता है। कुछ दिन पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, कौशल्य वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर उसका आ चुका है। और आज हम कौशल्य वेलफेयर फाउंडेशन की वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। हमारे कौशल्य वेलफेयर फाउंडेशन की वेबसाइट पर आपको फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी जानकारियां आगे आने वाले कार्यक्रमों की पूरी जानकारी वहां मिलती रहेगी। उस पर दो ऑप्शंस भी आपको वहां दिए गए हैं, आप चाहें तो अपने मन से जितना संभव हो सके उस पर डोनेशन भी कर सकते हैं। आप जो डोनेशन देंगे उससे वो किसी की जेब में नहीं जाने वाला है, जो जितना सक्षम है उतना उसमें दे सकता है, उससे उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी जो सक्षम नहीं है। इस वर्कशॉप के लिए लगभग हमारे पास 600 लोगों की लिस्ट आई हुई थी कि 600 लोग आने वाले हैं, किसी भी कारणवश वो लोग नहीं आए, थोड़े कम लोग आए। तो जिस दिन मैंने जूम पे कहा था उस दिन आप सबसे ये भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है पैसा देने में तो उसकी फीस फाउंडेशन की तरफ से पेड की जाएगी, और ऐसा हमने कुछ किया भी। एक और विशेष जानकारी आप लोगों के लिए, अगर इस सुविधा का किसी ने गलत उपयोग किया है, ध्यान से सुन ले सारे लोग, अगर इस सुविधा का किसी ने गलत उपयोग किया है कि अगर वो व्यक्ति कैपेबल है और उसने फीस अपनी एग्जेम्प्ट करवाई है, फीस माफ करवाई है, तो उसके सीनियर व्यक्ति के पास से डबल वसूल किया जाएगा, ये ध्यान रखना। हमें चीजें प्रॉपर वे में लेके जानी है, दूर तक लेके जानी है, स्थायी बनानी है। देखिए, समय किसी ने नहीं देखा आने वाले समय में क्या होगा, हम सबको एक दिन जाना है, एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी जाना है। हम चाहते हैं कि हमारी चीजें इतनी स्थायी बन जाए, इतनी मजबूत बन जाए कि हम रहे ना रहे हमारी चीजें रहे, और इसके माध्यम से जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं वो आप सब तक समय समय पर पहुंचते रहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है आपको कमर्शियली एजुकेट करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी हमने शुरुआत उसकी फॉरेक्स ट्रेडिंग से कर दी है, इसकी रेगुलर क्लासेज होती रहेगी, हमारा ब्रोकर लाइव हो चुका है, हर महीने दो महीने में ये वर्कशॉप होती रहेगी। आने वाले समय में हम इंडियन मार्केट पे भी काम करेंगे, हम एग्रीकल्चर पे भी काम करेंगे, अलग अलग और भी कई सारे इसकी डेवलपमेंट पर हम काम करेंगे जिसमें आप लोग आ सकते हैं। 10 FX पर रजिस्ट्रेशन जो अगले वर्कशॉप के हैं वो 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग पिछले दिनों मुझे फोन कर रहे थे, वो समझ आएंगे मेरे बात से। देखिए, आप कहीं से भी कोई भी शब्द अगर सुन लेते हो और उसके आधार पर कुछ भी सवाल पूछते हो तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसे मेरे पास एक सवाल आया था कि एलपी क्या है, आप अभी बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, और यहाँ जो भी लोग बैठे हैं जो ट्रेडिंग पहले से जानते हैं, जिनको लगभग 4 से 5 साल हो गए, वो कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर के मुझे एलपी की डिटेल्ड डेफिनेशन दे, सिर्फ एलपी को लिक्विड प्रोवाइडर इतना सा से मतलब नहीं है, वो तो उसकी फुल फॉर्म हो गई, उसकी डिटेल डेफिनेशन अगर आप में से कोई भी दे सकता है, कोई फॉरेन ट्रेडर है, तो प्लीज खड़ा हो जाओ। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप अभी फॉरेक्स इंडस्ट्री में कदम रखना शुरू किया है, किसी ने कह दिया अच्छा अर्था एलपी है, अच्छा अर्था यह है, अरे सर उसकी डिटेल समझिए, एलपी क्या क्राइटेरिया रखता है, बैंक क्या क्राइटेरिया रखता है, कौन सी चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है, समय आने पर धीरे धीरे सीखिए। जैसे एक हमारे भाई है जो उनसे अभी सवाल पूछ रहे थे, अभी शुरुआत की है और आप डिटेल में घुस गए, सर एक एक कदम रखना चालू कीजिए, एक एक कदम रखिए
और जो कदम रखा जाए वो इतना मजबूती से रखा जाए कि वो अंदर का कदम माना जाए, दोबारा नहीं हटना चाहिए वहां से। एक कदम रखा, मजबूती आई, परफेक्ट हमारा हुआ, उसके बाद अगला कदम रखिए। अगर धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रखा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उसका नतीजा आप लोग जानते हैं, सब लोग बहुत अनुभवी लोग हैं। किसी भी क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी है, सावधानी से डिसिप्लिन के साथ आपको इस मार्केट में एंटर करना है। अगले सोमवार से हमारी सारी चीजें प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगी। सर्वर पर अभी काम चल रहा है, टीम अभी भी काम में लगी हुई है, आपको प्रॉपरली अकाउंट ओपन करने के लिए मिलेगा, आपको आईपी का स्ट्रक्चर भी दे दिया जाएगा। आज लाइव अकाउंट्स नहीं देने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये भी था, क्योंकि आप सब लोग जिस इंडस्ट्री से हो, आप लोगों के साथ एक साल से काम कर रहा हूं, तो इतना नजर मतलब मुझे हो गया है कि अगर आज आपने अकाउंट ओपन नहीं कर दिए भी जाते और आईपी स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता तो आपके आज रात से इतने फोन बजने चालू हो जाते हैं कि मैं दो तीन दिन तक अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अरे सर मेरा वो व्यक्ति वहां हो गया है, उसका वो वहां हो गया है, उसका अकाउंट वहां हो गया है, उसकी आईपी कैसे मिलेगी, ये मिलेगी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही एक हफ्ते का टाइम दिया गया है कि आपको जब अगले सोमवार को अकाउंट सबके लिए लाइव किए जाएंगे, जब आप अपने अकाउंट ओपन करेंगे उससे पहले पहले आपको आईपी का स्ट्रक्चर भी दे दिया जाएगा कि आईपी का क्या क्राइटेरिया है, कैसे काम करना है, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कंडीशंस होंगे, और प्रॉपर सारी चीजें मंडे से एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। और जैसे कुलदीप जी ने आपको जानकारी दे दी है, मंडे से हमारी कोशिश रहेगी कि अगले दो तीन चार महीने तक, जब तक आप अपने आप में पूरी तरह डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं करने लग जाते, प्रॉपर थोड़ा सीख नहीं जाते, आपको डेली शाम को एक या दो ट्रेड लाइव करवाए जाएंगे। बस आपको संयम रख करके उस चीज को फॉलो करना है तो आपको फायदा ही फायदा है, जीवन भर मिलता रहेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। आपको एडवांस नहीं चलना है कि आपको कोई काम कहा गया और आप लोग क्या करते हो, कॉपी पेस्ट तुरंत करते हो, उसको समझते बात लो। तो पहले कोई भी चीज आपके सामने आती है तो उसको समझिए, उसको एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उसको किसी दूसरे को फॉरवर्ड कीजिए। और एक और जो फैसिलिटी ब्रोकर पे होती है कॉपी ट्रेड की, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग कह रहे थे कि हर आदमी ट्रेडिंग नहीं करेगा, हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कुछ लोगों ने मेरे से कहा है, बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं करनी है, जरूरी नहीं हर आदमी करे, लेकिन कुछ लोग अच्छे एक्सपर्ट्स बनकर, अच्छी प्रैक्टिस करके और अच्छे डिसिप्लिन के साथ अपने मास्टर अकाउंट्स ब्रोकर में बना लेंगे, तो जो लोग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं वो अपने फंड अकाउंट के कॉपी में लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले देखेंगे कैसे बात, आपको अगर थोड़ा बहुत बेसिक आएगा तो आप उसके अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या प्रॉफिट रेशियो है, कितना टाइम इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया है, उसके हिसाब से आप चाहे जिसके अकाउंट में अपने अकाउंट को कॉपी लगा करके और महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो किसी भी के दूसरे व्यक्ति के पास लगाने से ज्यादा ही मिलेगा। और ये फैसिलिटी आपको कम से कम दो महीने के बाद स्टार्ट की जाएगी, सितंबर और अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अलग से सारी चीजें डिजाइन करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है, इस पर काम चालू हो गया है, लेकिन अक्टूबर लगभग दीपावली के बाद ही आप मान करके चलिए कि कॉपी ट्रेड की फैसिलिटी चालू होगी। तो तब तक आप लोग जो चीजें मैं आज आपको यह जानकारी दे रहा हूं, तो कम से कम आप ऐसे सवाल तो दोबारा ना पूछें कि ये कब होने वाला है, वो कब होने वाला है, क्योंकि ये मैं एडवांस में आपको बता देता हूं। दूसरी बात, आपके किसी के भी मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसके बाद तुरंत यहां से निकल जाऊंगा, मुझे जाना है, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो आप कहीं अगर सोचते हो कि भाई हमें अलग से कोई बात करनी है या ऐसा कुछ है, और आपके किसी के भी मन में कोई भी किसी भी तरह का सवाल आ रहा है, तो आप प्लीज खड़े होकर के वो सवाल पूछ सकते हैं। तो जहां तक मैंने जाना है एलपी का मतलब कि एलपी डायरेक्ट सिटी बैंक से कनेक्ट होता है, और भी ब्रोकर को मतलब अपनी लाइन जैसे भी मतलब व्हाइट लेवल, ग्रीन लेवल, और मतलब एलपी का डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट होता है, एलपी मतलब मैनेजमेंट भी कर सकता है आगे। क्राइटेरिया क्या है एलपी का? इक्विटी प्रोवाइडर, डेफिनेशन फुल फॉर्म में क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मींस कब बनता है एलपी? एलपी जब बनता है जिसके पास में मतलब जितना नॉलेज लिया मैंने किसी से। आपको मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, यही कह रहा हूं कि जब आप हम शुरू कर रहे हैं तो एक एक चीज को जाने, पहले हमारा काम क्या है, अभी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर है,
10,000 20,000 50,000 ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 लोगों का फंड इसके ऊपर कोई ट्रेड करता है कोई? तो हम रिटेल ट्रेडर में आए तो हम एलपी तक अभी पहुंचने की उसमें ही गई। ज्यादातर लोग क्या है ना सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर काम करते हैं, तो उससे हमारा डिस्ट्रेक्शन बढ़ता है और तकलीफ कुछ नहीं होती। जो हमको काम करना है उस पर फोकस कम और इधर उधर ज्यादा चल जाता है। अच्छा ये ब्रोकर एलपी पे ट्रेड करता है कि नहीं करता, अच्छा ये आगे करता है कि नहीं करता, अरे आपको कोई दिखा भी देगा ना तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि एलपी पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होती है, आपको नहीं पता है। तो पहले जो हम काम कर रहे हैं उसमें मास्टरी हासिल कर ले, उसके बाद अगला कदम है कि हम उसके बारे में जाने। एलपी बनने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, उसके बाद में एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है, तब जाकर आप बैंक से कनेक्ट होकर के और एक एलपी का क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। सिर्फ ये कह देने से कि आप एलपी बन गए कोई नहीं बनता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठ भी बोल देते हैं और मुझे झूठ बोलना ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत तो फिर मैं भी बोलता हूँ। अगला और किसी का सवाल है तो प्लीज 5-10 मिनट के लिए मैं यहाँ हूँ, तब तक आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं चलूँगा। खड़े हो जाइए और वन बाई वन करके सवाल पूछ लीजिए, बिना माइक के भी पूछ सकते हैं, मुझे आवाज आ जाएगी। सारे क्लियर है, मतलब किसी के कोई सवाल नहीं है? शर्मा जी सवाल है शायद, ताली बजा रहे हो, माइक भिजवाया था आपके पास? चलिए आज सवाल है। अच्छा राजकुमार जी, हेलो सर, मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी से हूँ, इंदौर से संजय सोलंकी की आपसे एक बार चर्चा भी हुई थी अहिरवा सर के थ्रू। सर मेरा ये क्वेश्चन है, अभी 2 दिन का जो सेशन था उसमें फर्स्ट बार ये ट्रेडिंग और फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए आया था मैं, उससे पहले लाइफ में कभी भी इसका नाम नहीं सुना था मैंने। तो सर अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी सीखने की आप बात कर रहे हैं और सीखने के लिए धीरे धैर्य बनाएंगे और धीरे धीरे सीखने के लिए कहा आपने, तो सीखेंगे सर, लेकिन अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि हमको बहुत हेजेक से फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करना है, जैसे 50,00,000 के समथिंग की बात कर रहा हूँ, तो सेल्फ ट्रेडिंग करके ये इन्वेस्ट करके पैसे बनाया जाए कि हेजेक से फंड के माध्यम से बनाया जाए? ये तो आपका व्यक्तिगत सवाल है, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, आपके पैसे में आपको उसमें मुनाफा लेना है, उसके बारे में मैं कैसे बताऊंगा? नहीं, डिसीजन मेरा काम है, आप लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि आप जब तक ट्रेंड नहीं हो जाते तब तक आपके फंड को मैनेज करना। जो काम जिस माध्यम से हम आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं वो आपको काम को सिखा भी रहे, वो काम आप सीखिए, जिस दिन आप सीख जाते हैं खुद अपने फंड को मैनेज करें। अभी एक्सपर्ट है तो मैंने कब कहा कि आप आज ही पूरे फंड पर ट्रेडिंग करने लग जाइए, थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, एक एक कदम बढ़ाइए, सीखते जाइए। तो मैंने पूरी बात मुझे अगर सुनिए आप, जब तक आप पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते आपके लिए प्लेटफॉर्म दे रखा है वहां हम आपका फंड मैनेज कर रहे हैं। जिस दिन आप ट्रेड हो जाए आप अपना फंड वहां से निकालिए और खुद अपने लेवल पर मैनेज कर नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश है सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। सर मैंने हेजेक्स फंड में करीब 2 महीने से आपके साथ हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें आज से पहले एफएक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो अभी जो इस डेली में हमें पता चला है, जो हमने जानकारी ली है उससे हमें 20% जो समझ पाए हैं ग्राफ्स वगैरह ये सब। तो अब मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने जो अभी आपके साथ जो मैं ट्रेड में हूँ तो मैंने 2,250 वहाँ पर लगे हुए और अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकूं, तो मेरे पास जो फंड होगा अभी करीब 30,000-20,000 के आसपास होगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि 20-30,000 से मैं आपके साथ जो जून मीटिंग में जो सेशन होंगे उसमें ट्रेडिंग कर सकूं? बिल्कुल कर सकते हैं, पेमेंट का कोई इशू नहीं, आप $100 का अकाउंट बढ़ाइए ना यहाँ पर। जी सर, देखिए आप पेमेंट कभी भी उसमें घटा बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पर किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर, हमारे यहाँ भी किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही काम करेंगे, जहां आपका मन करे जहां आपका विश्वास हो वहां आप काम करो और $100 से अपना अकाउंट बना करके और प्रैक्टिस शुरू करें। अभी आपने खुद ने कहा कि अभी आपने सीखना शुरू किया है, तो आप पूरा फंड एक साथ अभी लगाना भी नहीं चाहिए आपको,
आपने 100 ओवर का 200 ओवर का 250 ओवर का जितने आपके पास कैपेसिटी है, जितना आपके पास है, उतने का अकाउंट बनाइए और उसमें जो स्ट्रेटेजी बताई गई है, जो डिसिप्लिन बताया गया है, उसके हिसाब से धीरे 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 उस हिसाब से आपकी आदतें उस हिसाब से ढालिए कि आप उस प्योर डिसिप्लिन के उसमें आ जाए और आप 2-4-6 महीने में इतने सक्षम हो जाए कि फिर आपसे कोई गलती होने की संभावना ना रहे। उस वक्त आप अपना अकाउंट बढ़ा दीजिए, उस हिसाब से चलता रहेगा आपको। जी सर, कोई थैंक यू और कोई किसी के मन में कोई बात? कितना बड़ा मार्केट आप देख चुके हो, आपको बताया गया 150 करोड़ की आबादी हमारे देश की, 1.5% लोग भी नहीं जानते कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, बराबर। तो आज तक लोगों को यकीन ही नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा भी बन सकता है। सबको यही लगता है कि स्कैम होता है, कोई भी व्यक्ति आता है, एक सिस्टम चालू करता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे 4-6 महीने पैसा बटोर के घर चला जाता है। तो ये सिस्टम सबसे पहले तो उनको यकीन दिलाने के लिए कि पैसा बनता है। आज हमें 14 महीने हुए हैं मार्केट के और आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आज भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने लोगों ने हमारे पास पैसा लगाया है, आप जब चाहे पूरी जिस दिन चाहे सारे लोग मिलकर एक साथ अपना पैसा निकाल लेना, जब तक आप कहोगे कि आपका पैसा आपके पास नहीं पहुंचता मैं आपके सामने से नहीं हटूंगा। यकीन दिलाने के लिए कि पैसा बन सकता है, फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है और ये यकीन जब होना लगा है तब यही कंडीशन है कि लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं। बाकी जब हमने दक्ष का प्रोग्राम चालू किया था तो पहली क्लास में 13 लोग थे और जो ट्रेनर सिखाते हैं वो मेरे से खुद कहते थे कि ये क्या है सर, किसके पीछे पड़े हो, 12-13 लोगों के पीछे इतना खर्चा, $1,000 हर क्लास की फीस जाती है, लेकिन नहीं लगे रहेंगे और आप देख सकते हैं कि आज ये कारवाई यहाँ तक पहुंची। ये हेजेक्स फंड सिर्फ यकीन दिलाने के लिए कि पैसा बन सकता है, तब लोगों ने कोशिश की कि हम सीखने की कोशिश करें और आज ये थोड़ा बहुत रिजल्ट आपके सामने। जो मोटिवेशन है ना वो सिर्फ बातें, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। और जिसको मोटिवेशन की आदत लग गई ना वो सिर्फ वीडियो ही देखता रहे या बातें सुनता है। मोटिवेशन आता है इंसान के अंदर से, इंसान के अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। देखिए एक उदाहरण बताता हूं आपको सिंपल सा। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार विदेश गए थे तो उनको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता था ना वो उसके ऊपर पूरा अपना स्पीच दे देते थे। तो एक बार वो किसी एक ऐसे व्यक्ति से टकरा गए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज मैं जो सवाल आपसे पूछने वाला हूँ उसका आप जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा कि पूछिए। तो उन्होंने कहा कि जूता। तो उन्होंने जूते के ऊपर 15 मिनट बोल दिया तो उसके चरणों में लेट गए। तो उन्होंने उससे कहा कि हम वो लोग हैं जो बाहर से मोटिवेशन नहीं लेते, हम ध्यान करने वाले लोग हैं, हमारे अंदर से शक्ति लाते हैं। तो आप जो काम करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें, पहली चीज है। आप जो भी करना चाहें उसको पूरी ईमानदारी, इसको फोकस होकर के करिए, सिर्फ दिखाने के लिए या किसी के साथ उसको कॉप अप करने के लिए काम को मत करिए। दूसरी जो बात है जो मैं अब से पहले भी 4-5 बार अभी स्टेज पर बोल चुका हूँ, इसीलिए आप जो भी काम करें उसका एक क्राइटेरिया फिक्स करें और उस रेंज में, जैसे मार्केट को बताया था ना सर ने कि हमको उसी रेंज में काम करना है, हमको डिसिप्लिन में रहकर काम करना है। तो आपके लिए यहाँ सेशंस किए गए कि सुबह योगा मेडिटेशन ये सब 2 दिन से मुझे भी पता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप उसका 1% भी अपने साथ ले गए, 1% भी अगर ये 2 दिन की वर्कशॉप से आपके जीवन में 1% भी अगर परिवर्तन आ गया तो ये मेरी बहुत बड़ी सफलता होगी। सोचो आप जो भी काम करें पूरे शिद्दत से करें, पता आपको अगर जो करना है ना तो फिर वो आपकी पूरी दुनिया होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा ये भी कर लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, थोड़ा ये भी कर लिया तो नहीं चलेगा। जो करना चाहते हैं वो आपकी पूरी दुनिया है।
उसको पूरा 100% फोकस होकर के डिसिप्लिन के साथ करिए, मैं गारंटी देता हूं आप लोग कभी डिफीट नहीं करेंगे। और रही ट्रेडिंग की बात, अगर आपको पैसा बनाना है, पैसा बनाने में इंटरेस्ट है, तो फॉरेक्स मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डिसिप्लिन के साथ अगर करते हैं तो आप यहाँ से वो सब पा सकते हैं जो हम एक सामान्य इंसान मिडिल क्लास आदमी सपने में सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक अच्छा खासा फंड लेकर के, ज्यादा नहीं तो ये मान के चलिए $15,000-20,000 के लगभग मान लीजिए, $20,000 का फंड लेकर के शुरुआत करते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं, तो 3 महीने के बाद आपके लिए, सॉरी 3 महीने में 3 साल के बाद आपके लिए पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सोच लेंगे 1 महीने में या 3 महीने में, 2 महीने में, 8 दिन में डबल करना, नहीं। जो आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसको फोकस होकर के प्रॉपर तरीके से करते हैं तो 3 साल बाद आपके लिए पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि पैसा कोई चीज ही नहीं है, तो ऐसे आता है। और मोटिवेशन अंदर से बाहर से, अपने काम से मोटिवेशन आना चाहिए, लोगों की बातों से नहीं। मैं तो यही चाहूंगा और इस वर्कशॉप का उद्देश्य भी यही है कि आपको भविष्य में कभी किसी ऐसे दिनेश जैन दिग्विजय की आवश्यकता ना पड़े। और किसी के मन में कोई बात, खड़े हो जाइए। जब जो मीटिंग होती है ना सर, तो 300 लोग यहाँ पर आते हैं, उस 300 को बढ़ाकर 1,000 किया जाए। 1,000 किया जाए? जी सर। 500 लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है? जी सर। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला हुआ है टीम को, लेकिन मैं जो उनको मेल डाला हुआ है, मैं सबको रिवर्ट किया है, वो जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ आपका क्या सवाल था? सर, यहाँ हम जिस उद्देश्य से आए वो सवाल पूछिए, एप्लीकेशन में क्या करेक्शन कराने है, क्या कराने है, तो आप मैसेज में भी डाल सकते हैं। प्रायोरिटीज तय करना सीखिए जीवन में, कौन से वक्त पर कौन सी चीज, कौन सी बात महत्वपूर्ण है, एप्लीकेशन में कौन सा बटन होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली काम हो जाए, ये तो हम कभी भी कैसे भी पहुंचा सकते हैं बात। हम यहाँ खड़े हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करने के लिए, हमारे सिस्टम से रिलेटेड बात करने के लिए, तो आप उससे संबंधित अगर कोई बात है तो पूछिए। एप्लीकेशन के चेंजेस तो ये तो नॉर्मल सी बात है, टेक्निकल डेवलपमेंट चलता रहता है। जब हमने 1.5 साल पहले शुरू किया था, 1.25 साल पहले, तो ये जो लोग शुरू में जुड़े थे उनसे पूछिए कि क्या कंडीशन थी, और आज चीजें बेहतर हो रही है, धीरे धीरे अपग्रेड होती रहती है टेक्नोलॉजी, नॉट एन इशू। इस सिस्टम से, इस वर्कशॉप से रिलेटेड कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछिए, उससे रिलेटेड कोई इशू है आप तो पूछिए। नहीं आता 80% लोगों को, तभी तो ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। तो 2 दिन में आपने कुछ सीखा, कुछ सीखा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा। आप 2-4 बार तक ऐसी वर्कशॉप अटेंड करेंगे अब, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर संडे जो जूम पे क्लासेज होगी उनको भी आपको रेगुलर लेना है। ऐसा नहीं है कि आज आप ऑफलाइन वर्कशॉप में आ गए तो सब कुछ सीख गए। अब आपके क्या होगा कि आप रोज प्रैक्टिस करेंगे डेमो पे बराबर 7 दिन तक, तो आपके मन में नए नए सवाल आएंगे, तो वो सवालों का समाधान कौन करेगा? डेली ये जो डायरी आपको दी गई है इसको घर साथ में लेके जाना है, इसका कुछ उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि वर्कशॉप में गए थे आज या काम आ गया कल घर जा करके डाल देना है, इसमें 4 पेज और एड कर लेना, एक नोटबुक और रख लेना। जब आप मंडे टू फ्राइडे डेली जब ट्रेडिंग करोगे, ये आपको लाइव में ट्रेड कराई जाएगी, तो वो लाइव ट्रेडिंग के सेशंस में आपको लाइव ट्रेडिंग करवाई जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में जो सवाल आएंगे, जो क्वेरीज आएंगी, उनको नोट डाउन कर लीजिए, और संडे को जब जूम की क्लास होती है तो उसमें आप उस सवालों को पूछिए, वही तो समाधान होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, केवल ऐसा नहीं कि आज वर्कशॉप अटेंड कर ली, 2 दिन आए, थोड़ा एंजॉय हो गया और चले गए। अगर इस चीज को प्रैक्टिकल करना है तो जब तक कोई भी बात को इंप्लीमेंट नहीं करोगे वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। मैंने आपसे कह दिया 1% का टीपी लगा दो, 0.5% का ऐसे लगा दो, लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा, मैं कह के चला गया, आप भी सुन के घर चले गए, क्या हुआ? जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे वो रिजल्ट नहीं देगी। तो कोई भी बात सुनते हो, कोई भी बात सीखते हो, तो उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। जैसा सर ने भी बताया था आपको मास्टर जी ने, कि जब तक उसको इंप्लीमेंट करके रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे वो रिजल्ट बेटर नहीं देगी, और प्रैक्टिस मेक से मेक परफेक्ट। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, सीखने की कोशिश करनी है, सीखते रहना है, तो आप आगे से आगे बढ़ते जाओ। हाँ राजेश, कोई सवाल? सर, मेरे
वाइट ग्रुप का हो जाए, ग्रुप आपको मिल जाए तो उनका वोट ट्रिब्यूट किया जाएगा, चाहे मैं क्यों ना हूँ। जो कि सर एक आप कितना काम कर रहे हैं और क्रिएटिविटी, तो उसके लिए तुरंत मतलब आपको सबूत अवेलेबल हो जाए, इस पर तुरंत काम हो। मैंने अभी आपसे शुरुआत में कर कि भाई ये वर्कशॉप डिसिप्लिनरी वर्कशॉप थी और कुछ लोगों का ऐसा सुनने में आया है तो पहली बार है, इसलिए आज इस बात को यही छोड़ते हैं। बाकी देखिए हमारा परिवार है, परिवार में कुछ लोग थोड़ा ऐसे भी थोड़ा उच्च कर देते हैं, हमको उनको एडजस्ट करना है। अगर किसी को अपने आप से दूर कर देना समस्या का समाधान हो गया तो फिर वो समस्या का समाधान नहीं है। हमारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम चार भाई है, मैं सबसे छोटा हूं और मैं बिगड़ गया तो क्या मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल देंगे? वो मुझे मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेंगे, डांटेंगे, कभी हो सकता है एक आध आदमी लगा देवे। तो हमारा काम है, हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसे मुख्यधारा में लेके आए, पहले कोशिश करें प्यार से दूसरे तरीके से, लेकिन उसे दूर नहीं भगाना, दूर भगाना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा तो हम एक एक करते 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 एक अकेला मैच बच जाऊंगा। मेरा नाम बोध गोपाल सवे, मैं उड़ीसा से आया हूँ। हम लोग थोड़ा नए हैं इस परेड में, इसलिए इसमें डिमांड अकाउंट कैसे खोला जाता है और उसमें कैसे हम डिपॉजिट करते हैं? डिमांड अकाउंट डेमो अकाउंट सर, डेमो अकाउंट यानी जो इसमें हम जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें अकाउंट एक खुलेगा ना सर? हाँ खुलेगा ना। वो कैसे सर खुलेंगे, उसमें डिपॉजिट कैसे करेंगे सर? ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो तो दो दिन का सिखाया आपको बराबर। अकाउंट कैसे ओपन करेंगे इसका संडे को मैं जूम पर अगर बता दूंगा, प्लस एक वीडियो भी आप लोगों को दे दिया जाएगा कैसे अकाउंट ओपन होना है, कैसे केवाईसी होनी है, कैसे डिपोजिट होना है, कैसे विड्रॉल होना है, आपको प्रॉपर एक एक चीज गाइड मिल जाएगी। उसके अलावा आप जब होकर हमारी साइट पर जाओगे तो वहाँ एक हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सअप करोगे तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और बाकी कहीं से भी कुछ नहीं मिलता है तो मैं तो खड़ा हूँ सर। हेलो, हाँ जी सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट इस फाउंडेशन के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है? अगर मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो उठा सकता है, लेकिन फाउंडेशन के खिलाफ नहीं उठा सकता क्योंकि हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो ट्रेडिंग आप करोगे जिस प्लेटफॉर्म पे अर्था एफएक्स जो हमारा ब्रोकर है, अर्था फाइनेंस कैपिटल, वो इंडिया से नहीं मॉरिशस से रजिस्टर्ड है, ठीक है। मॉरिशस गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का ब्रोकर चला सकते हैं और कौशल्या फाउंडेशन आपको एजुकेशन दे रहा है। अब ये आपको सोचना है, देखिए हमारे देश में कई विसंगतियां हैं। अब आप लकीर के फकीर अगर बन जाओगे तो वहीं खड़े रह जाओगे। आपको पता है ड्रीम इलेवन क्या है? जी, इंडिया की तरफ से मेरा नाम आ रहा है आज की तारीख में, आ रहा है क्रिकेट में। फिर हमारे देश में कई विसंगतियां हैं, अगर हम उन तक जाएंगे तो हमारा जीवन पेचीदगी हो जाएगा। हम अभी उस स्तर पर नहीं है कि उनकी चर्चा कर सके, अभी तो हम इतने स्तर पर है कि हम हमारी चर्चा कर रहे हो काफी। आपको जबरदस्ती का मोटिवेट नहीं कर सकता, जो फैक्ट है वही बोलूंगा, चाहे यहाँ पूछ लो चाहे रात को नींद में आकर के फोन पे पूछ लो। अभी हम हमारी चिंता कर रहे हो काफी, अगर हम देश की विसंगतियों के बारे में देश की नीतियां बदलने की बात करने लग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कई सारे लोग पूछते हैं सर इतना इसमें इनकम आएगा तो फिर हम बाद में इसका टैक्सेशन कैसे करेंगे? अभी आपकी इनकम कितनी आती है? बोले अभी कुछ नहीं आती। तो आप उस लेवल पर आइए कि आप उसके बारे में चर्चा करने के योग्य हो। जैसे मैंने अभी कहा था कुछ लोग एलपी से रिलेटेड सवाल करते हैं, तो आप पहले उस लेवल पर आइए कि आप उस सवाल के लायक तो हो। केवल हमारे मुंह से कि आपको मौका दिया गया कि आप कुछ भी पूछ लीजिए, आपके मन में जो भी भावना है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खड़े होकर के जो मन में आ गए हो उसको, पहले सवाल को भी अपने अंदर एनालिसिस कीजिए कि सवाल यहाँ पर कितना वैलिड है और मेरे लिए कितना जरूरी है। आप जो पूछना चाह रहे हो ना उससे आपको बेनिफिट होना चाहिए। सवाल का मतलब है कि अगर आप कोई सवाल पूछता है तो सामने से उसका समाधान आएगा और वो समाधान हमारे लिए कितना वैलिड है, हमारे लिए कितना यूजफुल है, तो वो सवाल पूछने का महत्व है ना भाई। हम स्कूल में कॉलेज में जहां भी थे तो हमसे पूछा जाता था कि आज के क्या सवाल है, तो सवाल आदमी पूछता है जब कुछ पढ़ के आता है।